अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नूडल पिज़्ज़ा की रेसिपी। ये आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चे से बहुत इंजॉय करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा नूडल पिज़्ज़ा रेडी होता है और इसके लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। चले जी, हम देखते हैं हम इसके लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर सबसे पहले प्याज को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा प्याज को मैंने रिंग्स में काटा है। एक शिमला मिर्च मैंने छोटे क्यूब्स में काट ली है और थोड़े से लार्ज क्यूब्स में काट ली है। इसके अलावा मैंने चिकन को टिक्का मसाला में मैरिनेट किया। आधा घंटा हम इसे मैरिनेट करेंगे। 3 अदद मैंने अंडे ले लिए हैं। 1 पैकेट मैंने कनोर का चटपटा नूडल्स ले लिया है। इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून दादर मिर्चें लिए हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ले ली है। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉयल कर लेंगे। नूडल्स को बॉयल करने के लिए मैंने एक पैन में पानी लिया है। पानी को मैं अच्छी तरह से बॉयल करूंगी, उसके बाद मैं इसमें नूडल्स ऐड करूंगी। पानी बॉयल हो गया है, अब मैं इसमें नूडल्स ऐड करूंगी। नूडल्स को तोड़ के बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मेरे पैकेट में से नूडल्स टूटे हुए निकले थे। अब यहाँ पर एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैं थोड़े से ऑयल को गर्म करूंगी और इसमें चिकन को फ्राई करूंगी। चिकन को आप आधे घंटा ज़रूर मैरिनेट करें, फिर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। ये रेसिपी अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। देखें जी, नूडल्स जो हैं बॉयल हो गए हैं और उसका पानी मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। इसके अलावा चिकन भी फ्राई कर लिया है मैंने। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बाउल में मैंने 3 अंडे निकाल लिए हैं। इसे मैं फोक की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। अंडे बीट करने के बाद मैं इसमें दादर मिर्च, नमक और काली मिर्च ऐड कर दूंगी। तीनों मसाले हम बस थोड़े थोड़े से ऐड करेंगे नमक में। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो बारीक छोटी क्यूब्स काटी थी शिमला मिर्च की, वो ऐड करूंगी। प्याज की क्यूब्स ऐड करूंगी और बॉयल किए हुए नूडल्स ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा
कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।